अरे सुनती हो? और आड़ो की अम्मा सुनती हो? जी बताइए। कितनी आवाज दे दी मैंने, तुमने सुनाई दिया? अरे तो इतना चिल्ला क्यों रहे हो, अंदर काम में ही व्यस्त थी। तो माल में बाहर से आ रहा हूँ, तुम्हें दो आवाज दे दी, तुम दो आवाज बाद में निकल के आई हो घर से। अरे तो इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? और बिटिया कहाँ है? अब बिटिया शायद अपनी सहेलियों के साथ होगी कहीं। पानी वाले पानी लेके आओ, पहले पानी लेके आओ, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? अरे पानी भी यार तुमसे बड़ा हद है। ले जिए पानी पी लीजिए। ये लो। और बताओ। एक बात कहना चाहूंगी तुमसे। हाँ कहो। कि हमारी बिटिया अब जवान हो रही है, अब उसका ब्याह शादी न करना है कि? उसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, उसका रिश्ता मैंने ऐसे ठाकुर खानदान में किया है, तुम देखती रह जाओगी। देखिए वो तो बात सही है, आपने तय कर दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बारे में तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और बताओ क्या कह रही थी तुम पहले? मैं कुछ नहीं कह रही थी जी, कि मैं कह रही थी अब हमारी लड़की सियानी हो गई है तो उसकी शादी ब्याह के बारे में सोच। ये तो मुझे भी दिखता है, तुम जो बात कह रही हो तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये मुझे भी दिखता है कि पूरा बंजारा समाज देखता रह जाएगा। कब करेंगे, अब लड़की सियानी हो रही है, अब उसकी उम्र है शादी करने के लिए। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, पहले ये बताओ वो है कहाँ? अरे वो कहीं होगी अपनी सहेलियों के साथ, गई होगी पानी वाली। उसका ध्यान रखा करो, सियानी समानी बेटी हो रही है समझे, अगर कोई ऊंच नीच हुई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रखना तुम। आप देखिए ऐसे मत कहिए, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें पहले आगाह कर रहा हूँ, अगर कोई भी बात हुई ऊंच नीच तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा जी। ठीक है, मैं कबीले की तरफ जा रहा हूँ। अरे लाडो, अरे लाडो। जी माँ। कहाँ रह जाती है ले पकड़। अरे कुछ नहीं, अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई थी। इतना खेलना कूदना बंद कर, समझ में आ गई ना? क्यों? अब तू सियानी हो गई, तुझे खेलना कूदना सोवा नहीं देता। अभी माँ मेरे खेलने की तो उम्र है। अच्छा जी। तूने अपने बापू को देखा है? बापू का नाम मतलब बापू के नाम से ना, मेरा दिल। अगर कोई कल को 19-20 बात हो गई ना तो तू तो मरेगी मरेगी, साथ में वो मुझे भी मार डालेगा। नहीं माँ ऐसा नहीं है। अरे ऐसा ही है तेरा बाप, तू नहीं जानती। वैसे माँ एक बात बताऊँ, आप तो इतनी खतरनाक नहीं है, बापू क्यों इतने खतरनाक? अरे अब हमारे जमाने में तो बहन वो बेटा शादी हुई थी तो अब तू नहीं समझेगी इस बात को, ठीक है ना? आप कैसे रहती हैं डर डर के, मुझे तो बापू के सामने आने से भी वो कोई बात नहीं, तुझसे तो खैर कुछ नहीं कहते, तुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेटा बाहर मत जाया करो, अपने घर में रहा करो। और खास करके तो तेरे बापू अगर घर हो ना, पूछ रहे थे कहाँ है कैसे, मैंने बहाना ले दिया कि उसके सर में दर्द है सो रही है। अच्छा हाँ, तो अब, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ गई थी ना। अरे वो नहीं चाहते कि सहेलियों के साथ तू घूमने जाए, ठीक है? ऐसा क्या दुश्मनी है मेरी फ्रेंडों से कि वो? अरे दुश्मनी नहीं है बेटा, तू समझा कर मेरी बात को, ठीक है ना? ठीक है। देख बेटा वहाँ मटकी रखे, जाके पानी लिया नदी पे से। पानी लाऊं मैं? हाँ। और सुन, इस रास्ते जाइयो और उस रास्ते आइयो, और जरा सा भी टाइम मत लगाइयो। अगर तेरे बापू अगर कहीं अगर तू जल्दी नहीं आई ना, और देख शाम होने वाली है, ठीक है ना? तो फिर मुझे क्यों भेज रही हो तो? अरे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द है बेटा, चल लिया, ठीक है ना? हाँ ठीक है। और जल्दी आइयो, और रास्ते में कोई भी मिले और कोई भी कुछ भी कहे, चुपचाप आइयो और चुपचाप ही जाना है। अब मैं जाऊँ जब आऊ ना लौट के? अरे तू जा, बाप की तरह बात बनाती है। अच्छा माँ मैं जा रही हूँ पानी भरने। जल्दी जाना और जल्दी आना, ठीक है? ठीक है ना? और कोई भी सहेली वगैरह मिले उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे घर पे ही हो। तेरे बापू के आने से पहले घर पे आ जाइयो, डेरे पे से आ रहे होंगे वो। अब मैं जाऊंगी जब आऊं ना फिर। अरे तो तू जाना फिर, जल्दी आना। इस लड़के को तो मैंने पहली बार देखा है, पर हमारे नगर में क्या कर रहा है ये लड़का? ऐसे घूर घूर के दिख रहा था, पता नहीं मुझे क्या है, मुझे तो पानी भरने जाना है। बंजारों में तो ये ऐसी कोई लड़की है भी नहीं, ये तो मैंने पहली बार देखी है, और पलट के भी देख रही थी पता नहीं क्यों। चलो कोई बात नहीं।
कि पता नहीं कौन लड़का है, मेरे दिमाग में ऐसा छा गया है, निकल ही नहीं रहा है, जहां देखते हैं वो ही दिखता है, पता नहीं। यहाँ क्या लड़की थी, जब से उसको देखा है तब से ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, पता नहीं क्या हो गया है मेरे मन को तो, पर देखते हैं क्या होगा अगर तकदीर मुझे लिखा है। पता ना इतनी देर हो गई, लड़की को आई नहीं है अभी तक, हैं? ये कोई बात है, आज इसे आ जाने दो, इसके बाबू आ गया ना तो मुझे खा जाएगा कच्ची को। लो माँ, लो माँ करके इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? अरे माँ तुम क्या बताऊँ, नदी पे बहुत भीड़ रहती है। भीड़ रहती है जी, कोई वो नल नहीं है, खूब बड़ी नदी है, किसी भी कोने पे जाके भर सकती थी, जरूरी नहीं है जहाँ भीड़ लगे वहीं से लेगी तू। माँ देखो जहाँ पे मतलब सब लोग लेडीज थी वहीं पर तो थी, मैं तो एक एक करके लाइन लग रही थी उधर। इतनी देर कहाँ लगा ली फिर? पानी तुझे पता है तुझे कितने घंटे हो गए? एक घंटा हो गया पूरा। तो माँ भीड़ होती है, मैं क्या बताऊंगा? अरे भीड़ वाली बात नहीं, मैं समझती हूँ ये बात को, तेरे बापू नहीं समझता। चला सुनती हो क्या? और अड़ो की अम्मा। जी बताइए। मैं जा रहा हूँ बाहर पैट करने के लिए, कुछ बैल खरीद के लानी है मुझे, तब तक घर का ध्यान रखना और बिटिया का भी ध्यान रखना, ठीक है? मैं तो घर का और बिटिया का ध्यान रखती हूँ। ये तुम्हें पहले कह के जा रहा हूँ मैं, कोई भी किसी प्रकार की ऊंच नीच हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। जी ठीक है। और एक बात ध्यान रखो, कुछ दिन बाद लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं वो ठाकुर साहब, ये ध्यान रखना, ठीक है? पता नहीं मुझे तो ऐसा लगा लड़की की शादी अब जल्दी कर देंगे। लाडो, अरे बिटिया, लाडो। जी माँ। चल अच्छा हुआ ये तू साथ में लेके आई है, पानी खत्म हो गया था। समझदार है तू, जाके जा नदी पे से पानी भर ला, और उस दिन की तरह अगर तूने लेट करा तो सच्ची बता रही हूँ आपके मैं तेरी पक्का पिटाई लगा दूंगी। देखो माँ, अगर भीड़ होगी तो मैं लेट हो जाऊंगी, अगर नहीं होगी तो मैं जल्दी भर के आ जाऊंगी 5 मिनट। भाई देख बेटी मेरी, तू समझा कर, तेरे भाई मुझे किसी से कोई खौफ नहीं है, लेकिन ये है कि तेरे बापू से मुझे बहुत डर लगता है। माँ तुम इतना क्यों डरती हो, जब भी तो वो तुम्हें डराते हैं। मैं कैसे समझाऊ इस लड़की को, तू नहीं समझेगी इस बात को, ठीक है? तेरी शादी हो जाएगी ना जब तुझे समझ में आएगा। हाँ मैं तो नहीं डरूंगी। चल जब तेरा बटे हो तुझे ब्याह के ले जाएगा जा। अभी तो मैं छोटी हूँ। हाँ छोटी ही रहेगी हमेशा, कभी पराए घर नहीं जाना तुझे। हाँ फिर से दिखी मुझे, कल मैं उस दिन भी मैं जा रहा था, आप तब भी इधर से आ रही थी, क्या लेके आती हो इस मटकी में? अरे कुछ नहीं, हमारे यहाँ ना नदी का पानी आता है ना तो पानी लेने जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसी टाइम रोज जाती हूँ। रोज जाती हो जी, चलो अच्छी बात है, ये तो आपका रोज आना जाना ऐसे मिलना जुलना हमारा लगा ही रहेगा। और तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं यही पास के बंजारे के नगलों का हूँ, बंजारा है यहाँ पास, बंजारा नगला है पास में, वहीं रहता हूँ। तो मैं भी इधर से मेरे गाय भैंस बकरी वगैरह चुगाने आता हूँ। अच्छा चुगाने आते हो? जी जी जी। ये जो आपकी बकरी है क्या? हाँ ये सब सारी बकरी, ऊपर जो ऊपर मुर्गियाँ खेल रही हैं, इधर देखो भैंस नदी में है ना, सब मेरा ही है ये। वेरी गुड। वैसे आपके घर में कौन कौन है? घर में कोई नहीं है, माता पिता है और मैं हूँ। और आपके परिवार में आप कितनी बहन भाई हो? मतलब मैं इकलौती हूँ अपने बापू से। मैं भी इकलौता हूँ। चलिए ठीक है, फिर आगे कभी मिलते हैं। ठीक है। नहीं मैं तो इधर जा रही हूँ ना पानी। नहीं तो मैं सोच रहा था आपके पीछे पीछे निकल जाऊं, मैं भूल गया था आपको देख के। आप फिर से पानी लेने जा रही हैं क्या? हाँ मैं पानी लेने जा रही बस थी। मैं आपकी इसी तरह राह देखता रहता हूँ कि कब आएंगी, कब पानी लेने आएंगी, कब आपका चेहरे का दीदार होगा मुझे। गर्मी बहुत है यार गांव में। अबे यार ठाकुर, बंजारी की लड़की सी लग रही है मुझे तो। और ये लड़का कौन है? और ये तो दूसरे गांव का लड़का लग रहा है, हमारे गांव का ही ना ये लड़का। अच्छा नैन में टक्कर चल रहे हैं दोनों के, जाऊंगा हम में घुल पीट के बताऊंगा उसकी लड़की से, लड़के तो वो चल रहा है। अरे नहीं, मैं एक बात बहुत दिनों से अपने मन में रखा हुआ हूँ, आपकी इजाजत हो तो कह सकता हूँ? हाँ बोलो। क्या? मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगा हूँ। अरे ये क्या बोल दिया अब, ऐसा है
मेरे बापू ना बहुत खतरनाक है, मैं ना किसी से नहीं कर सकती। नहीं तो अगर आप चाहेंगी, आप अगर मेरे साथ शादी करना चाहती हैं तो आपके बापू भी कुछ नहीं कहेंगे उसमें। अरे मेरे बापू को नहीं जानती हो तो मेरे बापू इतने खतरनाक है, अगर उनको नेक भी पता चल गया ना तो तुम्हें भी काट देंगे और ऊपर से मुझे भी गोली मार देंगे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, जब हम एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे अधिक तो आपके बापू साहब को मैं पूरी बात बताऊंगा तो वो आपको क्यों ऐसा करेंगे। अरे मत बताना, यही गलती मत करना, बापू साहब मेरी माँ तक डर के रहती है बापू साथे। अच्छा हाँ, जब माँ डर के रहती है तो बताओ, मैं तो उनकी बेटी हूँ, मेरा क्या होगा। तुम्हारा निर्णय क्या है ये बताओ बस मुझे। मेरा बापू का निर्णय तो मैं देख लूंगा, आप अपना निर्णय बताइए कि आपका निर्णय क्या है, मुझसे शादी करना चाहेंगी। हाँ मेरे तो मन में है, बस मैं यही सुनना चाहता था कि आपके मन में है या नहीं। तो आपके बापू की चिंता आप मत कीजिए, उनसे बात मैं कर लूंगा। ठीक है तो, ठीक है तो फिर मिलते हैं। ठीक है। अरे कोई है क्या घर पे? अरे कोई है? अरे जी भैया जी बताइए। नमस्ते जी। जी प्रणाम। अरे है क्या भाई साहब घर पे? वो तो बैल लेने गए जी। आपकी मैंने एक बेटी थी ना, आपकी बेटी, मैंने वहाँ पे एक लड़के से, पिछले गांव का एक लड़का आया, उसके संग मुझे लग रहा है उसके संग चक्कर चल रहा है उसका। अच्छा वो लड़का हमारे गाँव पे है नहीं है, वो पहले वाले गाँव का दुश्मनी है, लड़ाई चल रही है हमारे काम से उसकी, तो आप ध्यान रखो अपने बच्चे का। देखिए भाई साहब, मैं बस हाथ जोड़ के ये विनती कर रही हूँ कि आपने मुझसे कह दिया लेकिन उसके बापू सासे नहीं खाओगे आप। नहीं नहीं बहन जी, देखो मैं नहीं चाहता हूँ किसी घर में लड़ाई हो। हाँ, ना बस आप बस उसके बापू आपके मैंने कान में डाली, दो बोले की चार सुने, गाँव में हमारी बदनामी हो, समझ रहे हो आप, गाँव की बदनामी हमारे डेरे में अगर पता लग गई ना तो बहुत बदनामी भी हो जाएगी। वैसे कोई बात नहीं, अब जो भी है मैं सब देख लूंगी अपने घर में, लेकिन उनसे मत कहना आप, बस इतनी हाथ जोड़ के रुक विनती है। चलो आप मुझे मिल गए, आपने मुझे बता दिया है ना। हाँ हाँ ठीक है भैया, ठीक है नमस्ते। छोरी ओ छोरी छोरी जागो। जीमा जीमा की बच्ची, मुझे ये बता तू है, तू कहाँ गैन मटक के करती है, तू पानी ले जाने के बहाने तू मेरी नाक कटवाना चाहती है, तू मुझे मरवाना चाहती है अपने बापू से। नहीं माँ ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, दुश्मन के लड़के से प्यार करने चली तू। माँ आपसे किसने बोल दिया है? किसने बोल दिया है? वो तो शुक्र माना कि तेरा बाप नहीं था इस घर में, अगर तेरा बाप होता ना तो तेरे चार टुकड़े करके जिस नदी में से पानी लाते उसी में बहा देता। माँ देखो वो ना, मैं आपको बताने वाली थी, वो लड़का ना बहुत अच्छा है माँ, एक बार तुम भी मिल लो ना उससे। ऐसा है, ये अच्छा पने का भूत उतार दे अपने दिमाग में से, है ना। तूने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा क्या मेरी शादी हो सकती थी? तेरी शादी हो जाएगी उससे? जी माँ आप चाहोगे तो क्यों नहीं होगी, मेरे ना चाहने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आज के बाद समझ में आ गया ना, तू पानी लेने बिल्कुल नहीं जाएगी, मैं खुद जाऊंगी। हाँ बकवास, चल माँ ऐसा। अरे ठाकुर साहब, प्रणाम ठाकुर साहब। राम 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 राम। हाँ भैया। आप और कहाँ से आ रहे हो भैया? पेट से गए बैल फैल लेने के लिए। बताओ क्या कह रहे हो? अरे एक बात कहनी, अब बुरा ना माना तो भाई साहब मैं आपका कहूँ। अरे बुरा मानने वाली क्या बात है, कहो। दो घर की बात है, घर में अच्छी लगे, मैंने ये मारे, मैंने आपसे कहना अच्छा लगा वो। घर की बात है? आप उस दिन मैं घर पे आया था, तुम मिले नहीं थे मुझको। क्या हुआ? ऐसा था, कह दू एक बार, बुरा माना देखो मेरी बात का, गांव की बात है। बुरा नहीं, बता मुझे बात क्या है। आपकी बेटी है और पिछले गांव का लड़का जो है उससे उसकी टक्कर चल रही है। क्या कहा? बेटा चल रहा मतलब प्यार मोहब्बत का, वो पानी भरने जाती है तुम्हारी हमारी बिटिया का। हाँ हमारे दुश्मन के लड़के के साथ वो पानी भरने जाती है नहर पे, और मुझे तो अच्छा लगा नहीं, मैं इसलिए मैंने तुमसे कह दिया, कल को हमारी गाँव की बदनामी हो, पल्ले गाँव का लड़का है उससे हमारी गाँव की वजह से दुश्मनी चल रही है, तो इसलिए मैंने तुम्हारे कान में डाल दिया है। अपनी वीडियो पे कंट्रोल करो, आगे आपकी मर्जी। ठीक है आप जान जाओ सब, देखो आप, तुम्हारा धन्यवाद भाई, तुमने मुझे बताया, तुम्हारा शुक्रिया, बस तुम जाओ, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है भाई साहब, इसकी माँ को आज मैं काट के फेंक दूंगा और दुश्मन के लड़के को तो मैं फाड़ दूंगा बीच में से। लड़ो की माँ, लड़ो की माँ, बाहर निकल जी। पहले ये बता, ये मुझे क्या सुनाई पड़ रहा है, मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है इस घर में? जी क्या पता लग गया, मुझे तो कुछ पता नहीं है। क्या पता लग गया? तुम्हें पता नहीं है तो तुम मुझसे छुपा रही हो। जी सच्ची में मुझे तो मुझे उसने सब भाई सारी बात बता दी है मुझे, ये लड़की कहाँ है बताओ उसे। क्यों मुझे बता दीजिए ना,
ये बताओ मेरे पीठ पीछे वो किस लड़के से मिलती है? तुम्हें घर का ख्याल नहीं थोड़ा सा? जी वो मैं आपको मैं बचो, तुमने उस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? तुमसे कह के गया था मैं उसका ध्यान रखना, तुम जानती पूरी बरादरी में नाक कट गई। जी पूरी बरादरी बारे थूकेंगे मुझ पे, और मैंने क्या क्या कहा था ठाकुर के लड़के के साथ उसका रिश्ता तय किया मैंने। लाडो जी माँ, माँ की बच्ची ना, पहले ये बता उस लड़के से क्या जब चक्कर चला तेरा? बापू सर कुछ नहीं। आज के बाद इसका घर से निकलना बंद, अगर घर से बाहर निकली तुम्हारी टांगे काट दूंगा दोनों की, ये ध्यान रखना। एक बात कहूं? बोलो। देखो ये दुश्मनी और ये सब बंद कर दीजिए, मुझे मस्त का क्या करना है क्या नहीं करना है, आज मैं उसमें गोली मार के आऊंगा, या उसके बाप में या उस लड़के में। देखिए ऐसा मत की। इसे ले आई अंदर, अगर मेरी गुस्सा और बढ़ी तो मैं इसको भी गोली मार दूंगा तुमको भी। ऐसे सुनो ये डंडा, मेरी बंदूक लेके आओ। देखिए मेरी बंदूक लेके आओ, सुनती नहीं हो क्या? इतनी देर हो गई कहाँ गई? जी वो मुझे नहीं पता आपने कहाँ रखी है, मुझे नहीं। तुम्हें नहीं पता? लाओ मैं लेके आता हूँ, तुमको कुछ पता ही नहीं है। अरे ऐसे दोनों, मैंने तुझसे मना किया था, तू वो मुझे भी मरवाएगी खुद भी मरेगी। मैं संभालो ना बाबू जागो। संभालू मैं कैसे संभालू? ये घर से निकल लेनी चाहिए, ध्यान रखना, आज दोनों बाप बेटे को खत्म करके आऊंगा। देखिए प्लीज अभी देखिए समझिए, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है ना, तू इस घर में एक आसे की लाश भिजवा देगी। सच्ची तेरा इतने अच्छे घर में रिश्ता तय किया है, तुझे तुझे तो प्यार लव करना है तुझे तो, है ना, तुझे तो उसी के साथ जाना जिसके साथ तेरे बाप की इतनी तगड़ी दुश्मनी है। माँ भी समझाओ ना। मैं क्या समझाऊ, मैं समझाऊंगी ना तो तू मरना तो है, ये वो छोड़ने वाले नहीं है, छोड़ मेरा हाथ। क्या भाई तू ही है ना ठाकुर का लड़का? हाँ मैं ही हूँ, बताइए। पहले ये बता तूने मेरी लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया? प्रेम जाल में फंसा लिया? प्रेम जाल में फंसाया नहीं है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। तू प्रेम करता है? अगर आज के बाद मेरी बेटी को आंख उठा के भी देखा ना तो आंख ही निकाल लूंगा तेरी। पहले तो हाथ हटाइए। आप मैं क्या कह रहा हूँ मत दिखाइए, मैं उससे प्रेम करता हूँ, आपकी मार खाने नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं तो क्या कह रहा हूँ, अगर आगे मैंने कहीं सुन लिया तो तुम्हें घर से अलग कर दूंगा, ये ध्यान रखना। देखिए आप जैसे कितने मैंने घर से अलग करने वाले, जानते हो तुम मुझे, ऊपर से चोरी और सीना चोरी तुम मुझे दिखाता है, पूरे गांव में ठाकुर पूछता है। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, मेरा गलेवान तो छोड़िए, तब मैं आपको पूरी बात बताऊं। बताओ मुझे पूरी बात। मैं आपकी बेटी से अटूट प्रेम करता हूं, और ये प्रेम ना धरा रह जाएगा तेरा, तेरी लाश जाएगी तेरे बाप के सामने। इस दुश्मनी से कोई फायदा नहीं है, ये ध्यान रखो। तुम अभी बच्चे हो बेटे, ना जाने हमारी दुश्मनी कब से पुरानी है। तुम्हें सुनो, तुम दुश्मन की औलाद हो, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, एक बार चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आगे से तुमने मेरी बेटी को आंख उठा के देखा तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। काका साहब मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं उससे अपनी जान से ज्यादा प्रेम करता हूँ। तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, ये प्रेम बात, प्रेम की जो शब्द है ना, मेरी आंखों के सामने मत लिया करो, ये ध्यान रखना। ठीक है काका साहब, फिलहाल आप मेरी बात थोड़ा ध्यान रखिएगा काका, थोड़ा सा मेरा बात का ध्यान। दिखाई मत देना यहाँ पर। अरे ठाकुर साहब, ठाकुर जी। अरे क्या हो गया, क्या हो गया बताइए। मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे लिए? क्या सुन रहे हो, क्या क्या हो गया बताओ। गांव के ठाकुर जी, ठाकुर से ठाकुर साहब। क्या बंजारे तो नहीं पीछे गले बंजारे रह रहे? ठाकुर तो हमें क्या, ठाकुर बंजारे जो है तुम्हारे बच्चे के लिए, वो क्या बंदूक लेके आए तान दी तुम्हारे बच्चे से, बात करना पूछना उससे एक बार। मेरे बच्चे को बंदूक तान दी उसने? हाँ मेरे बच्चे पे गोली मार देते वो। अभी उसकी खबर ले जाओ, मेरा बच्चा कहाँ है मेरा? अरे बेटा मैं तुझे ये दे रहा था अभी, ये बता तो किसने बंदूक तान दी थी तेरे सीने पे? नहीं पिताजी किसी ने। अरे बता तो सही, तू बता किसने तानी? अरे नहीं पिताजी कुछ नहीं हुआ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे वो छोटा सा आदमी वो बता के गया था मुझे, अभी छोटा सा आदमी बता के तो गया था, लेकिन ऐसा है ही नहीं है कुछ, तो मैं आपको क्या बताऊं। हां बेटा बता तो सही, हुआ क्या? पिताजी हुआ कुछ नहीं था, केवल इतनी सी बात है, जो बंजारे के नगला है ना पीछे वाला, वहाँ के जो ठाकुर है उनकी बेटी से अटूट प्रेम करता हूँ पिताजी।
अरे तो उसने बंदूक क्यों तान दी थी सीने पे? लिए आए थे, उनको किसी ने बोल दिया था उनके घर पे उनके पास कि आपकी बेटी किसी लड़के से मिलती है, इसलिए वो मुझे मारने की वजह से आए थे। लेकिन मैंने उनको समझा दिया, नहीं आप मेरी बात समझिए, मैं उससे लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ, आप मेरे, मैं भी एक ठाकुर परिवार से हूँ, सारी बातें मैंने उनको बताई, लेकिन वो सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं। अरे तो तुझे हाथ क्यों लगाएगा? उसके हाथ पैर काट दूंगा मैं। नहीं पिताजी, वो हमारे बुजुर्ग है, आप इतना क्रोधित ना हो, वो हमारे बुजुर्ग। अरे तू तू बंदूक निकाल के ला रही है अंदर से जा। अरे पिताजी ऐसी बातें नहीं करते हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे मेरी बंदूक निकाल, तू नहीं निकाल के लाएगा, मुझे ही निकाल के लानी पड़ेगी। पिताजी रुकिए, उसकी तो बोटी बोटी गिनवा दूंगा मैं। पिताजी ऐसा मत कीजिए, अगर प्यार से अगर कुछ सुलझ सके तो पहले यही विचार कीजिए ना कि प्यार से सारी बातें सुलझ जाए, लड़ने से कोई फायदा नहीं है पिताजी। अरे बेटा तू छोड़, मैं जाता हूँ अभी उसके बाद, मैं बाहर निकल दे। आज तूने मेरे बेटे में हाथ कैसे लगाया? बाहर निकल। कौन है तू? कौन क्या? तूने मेरे बेटे पर बंदूक कैसे तानी? आज तेरा चेहरा हुई है उसका बाप, उस हरामखोर का बाप तू ही है। ए हरामखोर मत बोल, तू मेरे बात कर रहा, तू समझ रहा है? तूने उस पे बंदूक क्यों तानी? पहले अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए तूने? अरे तू तूने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए? पहले ये बता, तेरा बेटा जाके लड़कियों की क्या 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 लड़कियों की क्या लड़कियों के आगे पीछे घूमता है तेरा बेटा? लड़कियों के आगे पीछे ही तो घूमता, कभी छेड़ा तो नहीं तेरी लड़की को? ये मुझे किसी ने बताया है, अगर मुझे हाँ गुस्सा आ गई ना तो तुझे और तेरे बेटे में गोली मार देता। अगर तुझ में इतनी हिम्मत है ना, अगर तू बंजारे से पैदा तो हाथ लगा के दिखा दू। क्या कहा तूने? तू निकाल के ला, अभी तुझे घूमता हूँ, बताता हूँ तुझे। आज मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। आज आज तू जानता ही नहीं मुझे। सुनिए सुनिए, देखिए देखो भाई साहब, ऐसे मत गुस्सा में, तू बीच में जा रहा है। देखिए समझिए, देखिए भैया भैया गुस्सा मत दिखा। भैया भैया जी मेरी बात सुनिए, भैया जी मेरी बात सुनिए। देखो मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद अपने बेटे को संभाल के रखिए। मैं अपनी बेटी, अरे अपनी बेटी को संभाल के रखो ना तुम। अरे तू अपने लड़के को संभाल के रहे, जवान बच्चा समझे। देखिए मेरी बात सुनिए ना, हमारी बेटी है, तुम्हें तुम खुद अपनी बेटी की इज्जत की धज्जियां बना रहे हो। तू बीच में आके अपनी बेटी को तो देखा रही है, ये अपनी बेटी को तो देखा नहीं जाता दूसरे के बेटों को। ये आप जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ी, आप जाइए, इसको बता दे। नहीं मुझे ठाकुर कहते हैं, ठाकुर कहते हैं तेरे जैसे गोली बता दूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, चलिए घर। तेरी तेरी ये हालत कैसे, तू कैसे भागती हुई एकदम अफसोस से, मैं ऐसे थकी सी कैसे आ रही हूँ? माँ बाप उषा से दुबक के जा रही हूँ, ऐसा है बहुत कर रही लड़ाई। क्या हो गया? हम दोनों को ना यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं तो बात क्या है, बात भी तो होगी कुछ। देखो मेरे बापू भी बहुत क्रोध में गए थे यहाँ से, क्रोध में मेरे बापू भी बहुत क्रोध कुछ में नहीं, यहाँ से भाग ही लेते हम दोनों। अब यहाँ रुकना हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि तेरे बापू को भी पता पड़ गया है, मेरे बापू को भी पता पड़ गया है। अब यहाँ से हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हाँ चल फटाफट। अरे सुन नहीं रहे जी, क्या हुआ? हमारी चोरी भाग गई। क्या? हाँ आज मैं उस ठाकुर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, आज मैं उसे जान से मार दूंगा। भगवान क्या होगा? तो ठाकुर के बच्चे निकल बाहर। अरे सुनता है कि नहीं, कान बह रहे तेरे? क्या बात है, क्या है, क्या है पीछे हाथ पीछे? मेरे ये बता, मेरी बेटी कहाँ है? है मेरी बेटी कहाँ है? तेरी बेटी का घर में बंद कर रखी है मैंने। और कहाँ है तेरा बेटा भी गायब होगा? मेरा बेटा तो सुबह से कहीं। निकाल अपने बेटे को। अरे तू इतना सच्चा था, निकाल अपने बेटे को। अरे मेरा बेटा घर पे नहीं है। नहीं है? हाँ कहाँ गया? मुझे क्या मालूम कहाँ गया। एक बात ध्यान रखना ठाकुर के बच्चे, अगर 24 घंटे के अंदर अगर मेरी बेटी घर नहीं आई हाँ, तो तेरे खानदार का नाम और निशान बता दूंगा। तू हाथ भी लगा के देख लेना। हाथ की बात तो गई, मैं तेरे पूरे खानदान को काट कर नदी में बहा दूंगा। ये बंजारा ठाकुर का वादा है। अरे चल चल, ध्यान रख तू। चल चल चल, जानता नहीं तू मुझे? तू मुझे जानता है? ये तेरे लिए आखिरी चांस होगा। अगर आज शाम तक मेरी बेटी नहीं पहुंची तो तेरा बेटा और तू इस दुनिया से उठा दूंगा दोनों को। निकल निकल निकल।